मैच है और आज हम जाएंगे एक अच्छे रनिंग के सेशन के लिए, ऑलमोस्ट 5 to 6 kilometers। तो सुबह सुबह रनिंग के लिए हम तैयार हैं, पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक विल पावर और दूसरा साफ पेट। अब विल पावर तो हमारे अंदर कूद कूद के भरी है, साफ पेट हम करा लेंगे, है ना। मिलते हैं फटाफट एक बढ़िया से सेशन के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो रनिंग का सेशन हो गया है, ऑलमोस्ट 5.3 किलोमीटर्स हुआ इन 31 मिनट्स, विच आई थिंक इज डिसेंट। इसके अलावा लेट्स स्टार्ट अ डे ऑन अ पॉजिटिव थॉट एंड या आज करेंगे कुछ धमाल। छुट्टी है, दो काम करवाने हैं, एक लेदर जैकेट ठीक करवानी है और उसके बाद देखते हैं शायद गाड़ी पे कुछ काम करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग टूटू। गुड मॉर्निंग। कब उठे तुम? I woke up at 7. 7? And what did you do? Meditation. क्या बात है, क्या बात है। ये 14 साल का है और अब इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो ऐसे सोने में बीतता है, बिकॉज इसे अपनी जवानी में खूब मज़े करें, खूब मज़े। तो रात को तो ये अंदर रहता है, बट सुबह जब पापा के साथ घूमने जाता है उसके बाद इसको ऐसे लेटा देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं ताकि उसको ठंडा ना लगे, बिकॉज अब ये सीनियर सिटीज़न हो गया है ना, सीनियर सिटीज़न, तो ये अभी आराम से सोता रहता है। अभी सोएगा तो सीधा जाके 10:30 बजे उठेगा। This is my dad. I'm not in. He's not interested. I'm not. He's always disinterested. No, but no. Your interest doesn't matter. Yes. No. Interest. Small 30-second introduction. I don't have any introduction which is to be given. Retired from DRDO. Ministry of Defense. Going to complete this 5 years of my retirement. Yes. Just after a week. And I remember that day. It was fantastic day. I delivered a very nice speech of how they have to keep themselves in a good health, or what time they have to get up in the morning. Na batao aapko. Sab jagah jana mujhe aur I want to visit all these holy places. Achha, like Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. Aapko lagta hai ki aap 14 kilometer ka trek 2 din mein kar loge? जहाँ मैं 70 क्रॉस करूंगा फिर मुझे मेरे से नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम आपको नेक्स्ट ईयर खुलते ही स्टार्टिंग में एक बड़ी गाड़ी करके हम सब चलेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि जब से हम लोगों को सबको कोविड हुआ था ना अप्रैल में, तो सबकी भूख और स्पेशली टूटू की भूख तो कुछ ज़्यादा ही गायब हो गई थी। फिर क्या किया कि एक लिवर की एक दवाई है, मतलब एक सिरप टाइप का है जो हमें मील के बाद लेना पड़ता है सुबह और शाम, तो लिवर की शुरू कराया सिरप, तब से शी इज एबल टू ईट तीन रोटियाँ खाई। सो ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। कह रहे बाबा, आई डोंट हैव अ, यू डोंट हैव अ गुड टेक्निक ऑफ स्मूथ ब्रेकिंग। सुन रहे हो? यस, हैव बीन ड्राइविंग फॉर द लास्ट, आई डोंट हैव अ स्मूथ टेक्निक, यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर द लास्ट 6 इयर्स, इज हैवंट डन 6 इयर्स, डजंट मैटर। यस, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, बिकॉज बट स्टिल यू आर अनट्रेन्ड ड्राइवर ना। आप गाड़ी चलाने के लिए ना, अब ले जाऊंगा मैं घुमाने आपको, रुको 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 रुको। सो अभी हम आए बैंक से एंड एक बहुत ही सही एक्सपीरियंस हुआ। अकाउंट है जहाँ पे हम लोग अक्सर डिपॉजिट करते हैं लेकिन विड्रॉल आज तक नहीं किया था, तो दैट अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया। तो मैं गया फिर उनके पास, और बैंक वालों के साथ प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो बेचारे स्ट्रेस जितने होते हैं, लोग इतने सारे रहते हैं उनके ऊपर, तो वो हो जाता है उनके पास, थोड़ा सा परेशान रह जाते हैं। मुझे फोटोकॉपी के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तो मैं वापस गया, मैंने बड़े प्यार से बड़े स्माइल के साथ उन मैम को रिक्वेस्ट करा कि मैम प्लीज़ ये कर दीजिए, वरना मेरा ये अकाउंट वैसे भी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहता है और मुझे वापस आना पड़ेगा और मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, और अगर आप उनको थोड़ा सा उनसे प्यार से बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा उनको थोड़ा स्माइल देंगे, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स ऑब्वियसली, तो वो आपकी हेल्प उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, और वही मेरे साथ हुआ। जा रहे हैं गाइस हम जैकेट को ठीक करवाने। सो हेलो गाइस, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अपनी लेदर की जैकेट ठीक करवाने, जो कि इन्होंने खराब कर दी थी। एक्चुअली मैं इनको पहले बता चुका हूँ कि सभी को पहले बता चुका हूँ कि लेदर की जैकेट खराब हुई कैसे थी। गलती मेरी थी,
मैं थोड़ा आग के साथ खेल रहा था और अरे बैठ के क्यों कर रही है, आगे क्यों करना उसको, हे भगवान। और लगा दे, बीच में लगा दे पूरी, ताकि मैं थोड़ा बहुत तुझे लगा भी पा रहा था, मैं बिल्कुल ना लगा पाऊँ। शाबाश, इन लेदर्स पे आए हैं किट का, ये रहा पॉपर्ट हुआ। बताओ अभी अभी पॉपर्ट ये हुआ कि हमने अपनी ज़ारा की जैकेट दिखाई इन लेदर्स में, तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट लेदर, दिस इज यार ये तो पॉलिएस्टर निकला यार, इतने साल से लेदर समझ के जो पहन रहे थे वो तो पॉलिएस्टर है। तो ये तो बहुत बड़ा पॉपर्ट हुआ। गाइस जो पोपट बताया मैंने आपको वो तो बहुत गंदा कटाया हमारा वाला, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत भयंकर सीखने को मिली आज वो है कि हिंद लेदर्स पे क्या सामान है यार, वॉलेट, जैकेट, बेल्ट, मतलब जो चीज बाहर 8-10 हज़ार की है वही चीज हिंद लेदर्स के पास है तो वहां भी महंगी, लेकिन वो ओरिजिनल लेदर है और वो उसकी गारंटी लेते हैं। टूटू के पापा के पास 2 लेदर जैकेट्स हैं और कम से कम 25 साल से वो इंटैक्ट है। आपके पास खराब भी थी और टुटसी पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये। टुटू तुम ये ना तुम बाहर जाना, इसमें एक बढ़िया सी अपनी रील्स बनाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर खूब सारी वीडियोस शूट करी एंड शालिका अभी उनको अपलोड करेगी थोड़ी देर में, मैं भी अपने वीलॉग में उनको यूज़ करूँगा। इसके तुरंत बाद यू कैन सी दोज वीडियोज। यू वॉन्ट चेक आउट मोर रील्स so you can visit Shalika's Instagram account which is shalika_8 _8 mera word date hai na isliye। Guys, after a long day, अब हमने काफ़ी सारे रील्स बनाए ऊपर, बहुत मज़ा आया। हाँ जी काफ़ी मज़ा आया। जैकेट तो हमारी ठीक नहीं हो पाई, फिक्स करके देंगे। टूटू सब ठीक कर देती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया, अगर हमारा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट। हम तो सोच रहे हैं कि मूवी में पैच लगाते हैं, कैसा आइडिया है ये मैं काट दूंगा एडिटिंग में, डोंट वरी।